हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन वन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वन होगी। इसका होगा टू है तो टू, इसकी टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, टू सेवन, टू एट, टू एट वन, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, पहले में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते, सेकंड में आठ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में एट इलेक्ट्रॉन, तो टू एट यहाँ पे टू हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। कब तक? थ्री तक, तो यहाँ पे फोर तक, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर। अब फाइव वैलेंसी नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, एट से माइनस करते हैं फाइव को, थ्री, एट में से सिक्स के टू, एट में सेवन के वन, एट में से एट के ज़ीरो। अब क्या होगा यहाँ पे, आउटरमोस्ट वन, आउटरमोस्ट टू, तो वैलेंसी इस तरीके से होगी। अब हम केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखें कैसे होता है। दोनों की वैलेंसी लिखनी है, इसकी वन है, इसकी भी वन है, क्रॉस करना है, इसको ये मिलेगी, इसको ये मिलेगी, तो क्या मिलेगा, एच सी एल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की वन है, ऑक्सीजन की टू है, हाइड्रोजन को टू मिल गई एच टू, ऑक्सीजन को वन मिल गया। मैग्नीशियम की कितनी है, टू, क्लोरीन की वन, तो मैग्नीशियम को वन, क्लोरीन को टू, एम जी सी एल टू। कैल्शियम की टू है, ऑक्सीजन की भी टू है, कैंसिल, तो कितनी हो जाएगी, सी, मतलब दोनों की वन बन गई, सी ए ओ। सोडियम की वन है, ओ एच की भी वन है, तो ये याद करनी पड़ेगी, अलग से आएगी, तो क्या बन जाएगी, एन ए ओ एच। मैग्नीशियम की टू है, सल्फेट की भी टू है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम जी एस ओ फोर। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए उसके लिए।